नमस्कार, मैं शिवा कुमार। एक बड़ी खबर करहल से सामने आ रही है, जहां पर कल बीती रात एसपी सिंह बघेल, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, जो करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके काफिले पर हमला हो गया, उनकी गाड़ियों पर हमला हो गया। दरअसल एसपी सिंह बघेल करहल के कबरई से जनसभा को संबोधित करने के बाद अतिकुल्लापुर आ रहे थे, और उसी गाँव के बाहर खेतों में कुछ लोग जो थे दुबके हुए बैठे थे, और जैसे ही इनकी गाड़ियां आई एसपी सिंह बघेल की, और उन पर हमला कर दिया गया, ईंट पत्थरों से हमला किया गया, यह एसपी सिंह बघेल का कहना है। साथ ही साथ तकरीबन 20 से 25 संख्या में जो लोग वहां पर खेतों में डूबे हुए थे, और जैसे ही एसपी सिंह बघेल की गाड़ियां आई, उनका काफिला आया और उन गाड़ियों पर हमला कर दिया गया, जिसमें कई गाड़ियां फूट गई हैं, कई गाड़ियां जो है क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं मौके पर तमाम भीड़ मौजूद हो गई, तमाम भीड़ इकट्ठा हो गई। साथ ही साथ करहल में एसपी सिंह बघेल ने मुकदमा भी पंजीकृत कराया है, तहरीर दी है, शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि एसपी सिंह बघेल नगला कबरई से जनसभा को संबोधित करके आ रहे थे, अतिकुल्लापुर गांव के पास जैसे ही पहुंचे, वही इस हादसे को अंजाम दे दिया गया, ये घटना घटित हो गई। और खेतों में एसपी सिंह बघेल के मुताबिक, खेतों में जो आरोपी थे, उपद्रवी थे, वो खेतों में थे, छुपे हुए थे, और जैसे ही उनका काफिला वहां से निकला, वैसे ही उन गाड़ियों पर हमला कर दिया, पथराव किया गया। साथ ही साथ लाठी डंडों से उनकी गाड़ियां जो थी वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दी गई। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी ठीक भी स्क्रीन पर, ये उस मौके वारदात की तस्वीरें हैं जहां पर ये घटना घटित हुई है। हालांकि सैकड़ों की संख्या में लोग, उनके एसपी सिंह बघेल के कार्यकर्ता जो थे, वो थाने पहुंच गए, और थाने में एसपी सिंह बघेल ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है, मामले की जो शिकायत है वो दर्ज कराई है। ये बड़ी खबर, चुनाव से पहले मैनपुरी की राजनीति में ये बड़ा बवाल हो गया है। आपको बता दें कि करहल से एसपी सिंह बघेल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो कि अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले ही ये बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि 4 दिन पूर्व भी एसपी सिंह बघेल एक नुक्कड़ सभा कर रहे थे, उस दौरान भी एक युवक ने उन्हें गाली गलौज की थी, उनके साथ अभद्रता की थी, और उसके बाद ठीक 4 दिन बाद ये वारदात को अंजाम दिया गया, एसपी सिंह बघेल की गाड़ियों पर हमला कर दिया गया। तकरीबन 20 से 25 तो लोग बताए जा रहे थे एसपी सिंह बघेल के मुताबिक, उनकी गाड़ियों पर हमला कर देते हैं, ईंट पथराव कर देते हैं, और फिर उनकी गाड़ियां जो थी, अन्य गाड़ियां भी उनके साथ जो काफिले में थी, उन्हें भी क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, उन्हें तोड़फोड़ दिया जाता है। हालांकि एसपी सिंह बघेल अपनी जान को खतरा बता रहे हैं, और उन्होंने थाने में, करहल का जो थाना है, वहां पर शिकायत भी पंजीकृत कराई है। लेकिन अभी तक इस बात की कोई भी जानकारी नहीं हुई है कि हालांकि एसपी सिंह बघेल के ऊपर हमला करने वाले कौन लोग हो सकते हैं, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने एसपी सिंह बघेल को उस नुक्कड़ सभा के दौरान अभद्रता की थी, गालियां दी थी, या फिर कोई अन्य लोग हैं, या फिर ये एक रणनीति बनाई जा रही है चुनाव को लेकर, चुनाव को भड़काने को लेकर ये कोई रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि सच क्या है इसकी जानकारी पुलिस लगा रही है। एसपी सिंह बघेल ने शिकायत दर्ज कराई है, और उसी के आधार पर पुलिस इसकी जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। किसी हुआ, लेकिन मेरे साथ जितना हुआ मैं उतना ही लिखूंगा, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा। मंत्री, क्या लगता है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपकी डर की वजह से ये सब आपके ऊपर हमले किए जा रहे हैं? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये चुनाव फंसा नहीं होता तो ना आप मेरा रोज इंटरव्यू लेते, ना देश के प्रतिष्ठित चैनल यहाँ पर आती। 1.5 लाख से कहने वाले अगर जीत रहे ना, तो हरे हुए का इंटरव्यू कभी कोई नहीं होता। चोट भी लगी है, थोड़ी सी है, थोड़ी ऐसी आती रहती है। मेरे ऊपर तो लाठी डंडे और पत्थर से हुआ है, और पीछे एक फायर की आवाज आई जो संजय शर्मा को एम करके था, इमीडिएट पीछे गाड़ी। मंत्री, गाड़ी में पथराव हुआ था, आप कहाँ गाड़ी में थे? 20-25 में गाड़ी में। आपका काफिला चल रहा था, रुका हुआ था? मंत्री जी, चल रहे थे, धीमी गति से चल रहे थे। मंत्री जी, जानकारी ये मिली है कि घटना होने के बाद आप, हाँ, इसके बाद गाड़ी से उठे हैं। 7:56 पर मैंने एसपी मैनपुरी को फोन किया, 15 मिनट तो समझ में नहीं आया, जान कैसे बचाई जाए, क्या अंधेरा था, अफरा तफरी थी। और लेकिन 7:56 पे मैंने उनको फोन किया है, और 20 या 25 मिनट पे मैंने देखा क्षेत्राधिकारी और इंस्पेक्टर आए थे, फिर उन्हीं की उसमें एस्कॉर्ट में मैं थाने आया। कितनी गाड़ियां मंत्री आपके काफिले में? गाड़ी 3-4 है, FIR में बहुत ज्यादा नहीं लिखना। मंत्री जी, आपने उतर के ललकारा भी था कि अभी मारना हो तो हमें मार के, ठीक है? हाँ, मैंने कहा कि आप भाग क्यों रहे हो, मैं खड़ा हूँ। 1.5 किलोमीटर पैदल भी चले हैं? मैं पैदल, फिर बाद में ये चला कि मेरे पीछे वाला कोई पकड़ के ना मार दिया गया, तो मैं 1.5 किलोमीटर फिर पीछे। ललकारा भी है कई बार,
अब ललकारा तो क्या है, लेकिन 1.5 किलोमीटर पीछे चलकर जब तक मेरी आखिरी गाड़ी को मैं लेके नहीं आया तब तक मैं वहां से हटा नहीं। ठीक ठीक ठीक।